ये अपना वाटर कूलर का कंप्रेसर है और आज इसके अंदर का पार्ट आपको चेक कराएंगे। देखो कैसे ये वर्क करता है। ये देखिए हमने इसे ग्राइंडर से काट दिया है और चूंकि उसका ऑयल भी गिर गया तो फैल गया सारा। ये इसके ऊपर का कवर हमने निकाल दिया गया है। इसकी चादर आप देख सकते हैं कितनी मोटी है, मोटी चादर का बना होता है ये। अब इसका कनेक्टर निकाल देंगे। ये लगा हुआ देखिए साइड पर रनिंग स्टार्टिंग के लिए जो कनेक्टर होता है यही होता है इसका लगा हुआ। और ये देखिए इसका ऊपर कवर है, पूरा कवर रहता है। ये ऊपर का कवर है, ऊपर देखिए स्प्रिंग दिया हुआ है जब ये हीलिंग होती है, जब इसमें इसके वाइब्रेशन वगैरह के लिए होता है हल्का। अब देखिए इसका क्योंकि हमने स्टड इसके काट के जो है ऊपर का ये कवर अपना रिमूव कर लिया है और हमें चूंकि इसकी मोटर निकालनी है प्रॉपर तरीके से तो उसके लिए हमें स्टड काटना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी कुछ ऐसा रेंच नहीं था। ये ओवरलोड प्रोडक्शन है, कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए दिया होता है। जब कंप्रेसर अपना हीट हो जाता है तो यही कट मार जाता है अंदर से। ये देखिए इसका मोटर हमने निकाल दिया गया है इसका बाहर और हम इसकी अब जो है पंपिंग चेक करेंगे कि पंपिंग इसकी बात कर रही है नहीं कर रही है। ये देखिए इसकी पंपिंग काम कर रही है और अब इसकी चूंकि हम बाइंडिंग चेक करेंगे, बाइंडिंग इसकी चूंकि शॉर्ट है, जल गई है, अर्थ दिखा रहा था ये, तो हम इसे रिवाइंडिंग के लिए अभी भेजेंगे बाहर।